हाँ जी, तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इंडेक्स नंबर। हम लोग इंडेक्स नंबर में क्या चीजें करने वाले हैं, ऑफ कोर्स हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, देखो यार इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो बहुत आसान क्वेश्चंस है, बट वो लेंदी क्वेश्चंस है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे वो भी बहुत सारे बनेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि सर इतने कॉलम्स बनेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये कॉलम बनेगा, वो वाला फॉर्मूला लगा तो। आपको सिंपली फॉर्मूले पे फोकस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला आप लोग अपने नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट अ थ्योरी वीडियो, स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडेक्स नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। देखो यार, आप जो एक रिलेटेड वेरिएबल्स हो गए, लाइक अ प्राइस हो गया, ठीक है ना, अब प्राइस ईयर 2000 के अंदर कुछ और होगा और प्राइस किसी पर्टिकुलर चीज का 2021 में कुछ और होगा। तो आप क्या करते हो, कितना चेंज आया है ईयर 2000 से लेके 2021 तक प्राइस का, आप इंडेक्स नंबर फॉर्म कर दोगे। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है जो भी डिफरेंस आया है उस रिलेटेड वेरिएबल के अंदर। ओके, अभी इतना ही समझना जरूरी है, बाकी अब इंडेक्स नंबर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे वो मैं आप लोगों को यहां पे समझाने वाला हूं। ओके, तो देखना इंडेक्स नंबर हमारे मेथड्स अलग अलग हैं, एक सेकेंड कलर चूज कर लूं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये जो चैप्टर है हमारा वो प्राइस इंडेक्स नंबर तक कंसर्न है, ठीक है ना, कुछ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये अलग अलग चीजें आएंगी, वो आगे की चीजें हैं। इसी के अंदर से मेजरली आपका जो क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है आपका प्राइस इंडेक्स, एक है अनवेटेड या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर। अनवेटेड का मतलब ही होता है सिंपल, जैसे सिंपल एरिथमेटिक मीन और वेटेड एरिथमेटिक मीन था ना, तो सिंपल मतलब सिंपल, वेटेड मतलब इज अ सेपरेट कैटेगरी। तो अगर मैं अनवेटेड बोल दूं सिंपल को, तो बात तो वही है, सिंपल हो गया और एक हो गया वेटेड इंडेक्स नंबर। अब देखो इन दोनों के दो दो पार्ट्स हैं। इसके अंदर पहला पार्ट क्या है आपका, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, और इसके अंदर है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। पहला वाला क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। और यहां पे वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या है, देखो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहां पे जो सिंपल है ये, देखो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं इसको, याद करने का तरीका है आपको सिर्फ सिंपल वाला याद करना है, वेटेड वाला आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो सिंपल की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ वेटेड लिख देना है। यहां पर भी आपको सिंपल की जगह क्या लिख देना है, सिर्फ वेटेड लिख देना है, बाकी जो नाम होगा वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, आ जाओ सबसे पहले हम किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, फर्स्ट पे इसे पढ़ेंगे, सेकंड पे इसे, थर्ड पे इसे एंड फोर्थ पे इसे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इनमें, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला है जिसके अंदर वो तीन लेजेंड्स का नाम आएगा, जिसमें लेस्पियर, पास्चे एंड फिशर्स मेथड होगा। ओके, तो आ जाओ जरा एक बार हौले हौले करते हैं कैसे होगी ये चीजें। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो जी फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में P0 इनटू में 100। क्या है इसका मतलब, देखो जीरो और वन को जरा समझना, जीरो किस चीज को डिनोट करता है, जीरो बेटा पूरे चैप्टर के अंदर बेस ईयर को डिनोट करता है, और जो वन है वो किसको डिनोट करता है, वो हमारा डिनोट करता है करंट ईयर को। तो देखो P01 का मतलब क्या है कि मैं करंट ईयर को कंपेयर कर रहा हूं बेस ईयर से। तो देखो P01 का फॉर्मूला क्या हो गया, जो करंट ईयर है उसको ऊपर रख देंगे, जो बेस ईयर है उसको नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखो ना यहां पे मैंने दे रखा है P01 मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। सिग्मा P1, देखो सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा का मतलब हो जाएगा टोटल, टोटल बोलूं या फिर सम बोलूं बात तो एक ही है। पी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स प्राइस हो जाएगा, और वन क्या डिनोट करता है, वन डिनोट करता है करंट ईयर का प्राइस, ठीक है ना। सिमिलरली सिग्मा P0 क्या हो जाएगा, सिर्फ बेस ईयर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्राइस ऑफ द बेस ईयर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, आओ जी इस पे क्वेश्चन हो जाए। फॉर्मूला क्या था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इनटू 100। आओ जी इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज P1 व्हाट इज P0। एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं आप लोगों को, जो ईयर पहले आ रहा है ठीक है ना वो आपका जीरो होगा, जो ईयर बाद में आ रहा है यानी कि करंट ईयर है वो वन हो जाएगा। इसको रटने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। तो देखना द फॉलोइंग आर द टू सेट्स ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ टिपिकल फैमिली शॉपिंग बास्केट, द डेटा पर्टेन टू रिटेल प्राइसेस ड्यूरिंग 2001 एंड 2007। समझदार बच्चा समझ गया क्या, 2001 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, और बेस को किससे डिनोट करते हैं, जीरो से।
और जो 2007 है वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, वन से। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखो जरा, अब क्या करेंगे, आपको कमोडिटीज का नाम दे रखा है। एक नॉर्मल फैमिली क्या क्या कमोडिटी कंज्यूम करती है, मिल्क, बनाना, बटर, ब्रेड एंड सो ऑन। फिर आपका देखो प्राइस दे रखा है 2001 का, प्राइस दे रखा है 2001 का, प्राइस मतलब पी, और 2001 यानी कि बेस ईयर, तो पी जीरो दे रखा है ये। और प्राइस इन 2007 हमारा बाद का साल है, तो ये क्या होगा, ये पी वन होगा। आओ जी, आपको पी जीरो पता चल गया, आपको पी वन पता चल गया। हमें चाहिए होता है सिग्मा पी जीरो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब सबको सम कर दो। तो एक बात होता है, इन सबका अगर मैं सम कर दूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा पी जीरो, और इन सबका सम अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा पी वन। देखो आंसर में इन लोगों ने यही चीज कर रखी है, सिंपल। पहले तो इस पूरे फॉर्मेट को इन्होंने क्या कर दिया, चेप दिया है यहाँ पे, ये देखो चेप दिया है सबका, इनका हमने सम कर दिया, ये निकल के आ गया 162, और इन सबका सम कर दिया, ये निकल के आ गया 199। ओके, फॉर्मूले में पुट कर दो कैसे, भाई सिग्मा पी वन यानी कि 199 अपॉन में सिग्मा पी जीरो यानी कि 162 और इनटू में कर दो 100, आपका आंसर आ जाएगा क्या, P01। कितना आसान है, कुछ दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो अगला जो फॉर्मूला है वो भी बेहद आसान है, सिर्फ उसमें क्या आ जाएगा, लो जी इसमें एक नई चीज आ गई जिसका नाम है एन। बट बेटा एक बात बता दूं, फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार आप फॉर्मूले को क्रैक करना सीख जाओ, मैं कह रहा हूं पूरी स्टैट्स आपके लिए मजाक बन जाएगी। कितने कॉलम्स बनाने हैं, आप ये क्वेश्चन अपने टीचर से कभी पूछोगे नहीं, ठीक है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले की नीड देखनी है, आप उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है ना। लाइक गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप को सिर्फ एक बार बता दो यार कि आपको जाना कहाँ पे है। लाइक दिल्ली में आपको कहीं पे जाना है, लक्ष्मी नगर जाना है, तो आप अब वो लक्ष्मी नगर तक पहुंचाने के लिए वो अलग अलग रास्ते अपने आप चुन लेगा। वैसे ही यहाँ पे आप लोग अपना रास्ता खुद बनाओगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, देखो सिग्मा है, सिग्मा किस चीज का है, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 का, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100, यानी कि पहले मैं एक सेपरेट कॉलम बनाऊंगा किस चीज का, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 का, वो जो कॉलम होगा उनके सब आइटम्स को प्लस कर दूंगा, तो सिग्मा पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 आ जाएगा। और एन का मतलब क्या है बेटा, पूरे जन्म जात, एन का एक ही मतलब है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, ठीक है ना। जरा देखना क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखो आपको प्राइस दे रखे हैं 2011 का और 2019 का, समझदार बच्चा बताएगा 2011 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यानी कि P0, 2019 क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ओके, अब जरा देखो इस बार इन्होंने डेटास को हॉरिजॉन्टली दे रखा है, हम इसको वर्टिकली बना देंगे, भाई करना पड़ेगा ना। देखो ए बी सी डी ई, ये लो कमोडिटीज का नाम ए बी सी डी ई, फिर P0 के डेटा आपने लिख दिए सारे के सारे। देखो ये वाले आपने क्या कर दिए, ये देखो यहां पे उतार दिए, और जो ये वाले डेटास है आपने क्या कर दिया, इनको यहां पे उतार दिया, ठीक है जी। अब देखो हमारे को फॉर्मूले में क्या चाहिए बेटा, हमें फॉर्मूले में चाहिए सिग्मा P1 अपॉन में P0 इनटू में 100 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसका मैंने एक सेपरेट कॉलम बना लिया, P1 अपॉन P0 इनटू 100। सर अब कैसे निकालेंगे, देखो निकालने का तरीका सिंपल है, यहां पे P1 कितना है 70 अपॉन में इसी का P0 कितना है 50 और इनटू में क्या कर दूंगा 100। देखो बेटा इन्होंने भी यही चीज कर रखी है, P1 upon P0 into 100, ये आ गया 140, फिर 60 upon 40 into में 100, 60 कहां से आया, ये 40 कहां से आया, यहां से, और into 100 कर दिया, ये आ गया। ऐसे ही बाकी सबका कर लो, और जब आप इन सभी को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका ये देखो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा किसका, P1 upon P0 into 100 का। देखो मैं रिपीटेटिव साउंड कर रहा हूँ, सर एक ही बात बार बार कैसे बोल सकते हो आप, बेटा इसकी इंटेंशन सिंपल सी है कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाए, घुस जाए, ठीक है ना। बस अब आप क्या हो गया, मजाक है आप लोगों के लिए, आप इसको फॉर्मूले के अंदर डाल दो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या सीखा है सर, सिग्मा P1 अपॉन P0 into 100 यानी कि 635 उसकी जगह लिख देंगे, अपॉन में कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, देखना A B C D E पांच आइटम्स हैं, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 से डिवाइड कर दो, काट पीट के आप क्या निकाल लोगे, P01। दैट सिंपल, इतना आसान है ये, इसी को आप लोग हवा बना देते हो। ऐसा नहीं है, हर चीज जो दिखने में डरावनी लगती है ना, जरूरी नहीं है वो इतनी डरावनी हो। वो है ना एक बड़ा क्लीशे सा डायलॉग कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बिल्कुल वैसा ही है। अभी जिसको देख के आपकी हालत खराब होती है, वो जो फिशर, लेस्पियर, पास्चे, किस तरह, तो इटालियन से नाम है, हम कैसे याद करेंगे, अरे भाई देखना यहीं से डराइव्ड है सब कुछ, बहुत आसान है। आओ जी देखते हैं, अगला है हमारा वेटेड कैटेगरी में आ गए हैं। अब हम लोग ना वेटेड कैटेगरी के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब वेट्स अलॉट होंगे, पर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ना बेटा अकेला नहीं है, इसके ऊपर थ्योरी लिखने वाले तीन बड़े लोग थे,
कई सारे थे, 7-8 लोग हैं आपकी बुक में उनके नाम होंगे, उनको इतना क्रेडिट नहीं मिल पाया क्योंकि उनके जो फंडास थे वो इतने फेमस नहीं हो पाए। जो एकदम सटीक जिन्होंने दिया था ना, वो था एक हमारा लेस्पेयर, एक था हमारे पास्चे और एक थे फिशर। फिशर्स अपने आप को साथ में आइडियल मेथड ही बोलते थे। आइडियल यानी कि सबका करता धरता, कि ये कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, गाड़ी वाला आया है कचरा लेने तो वो चला जाएगा, आवाज अपने आप चली जाएगी। जरा देखना लेस्पेयर मेथड क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है ना। कैसे, P01 निकालना है, पूरी जिंदगी आपकी इसी में निकलनी है। P01 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। फॉर्मूला क्या है सर, सिग्मा तो हम लगा लेंगे, P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 इनटू में फिर 100। इसका मतलब अगर हम कॉलम बनाने जाएंगे, आपको पता है पेपर में क्या दे रखा होगा, आपको P1 का कॉलम दे रखा होगा, Q1 का कॉलम दे रखा होगा, P0 का कॉलम दे रखा होगा, Q0 का कॉलम दे रखा होगा। अब आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो, आप उसके हिसाब से क्या करोगे, अपने कॉलम चूज करोगे, आप और कॉलम्स बनाओगे। यहां पे आपको देखो क्या चाहिए, P1Q0 चाहिए ना, तो आप एक नया कॉलम बनाओगे P1Q0 का, जिसमें आप इस P1 को और इस Q0 को मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपको नीचे क्या चाहिए, P0 चाहिए और Q0 चाहिए, तो आप एक कॉलम बनाओगे P0 का और एक बनाओगे, सॉरी P0Q0 का एक सेपरेट कॉलम बनाओगे, जहां पे आप किसको, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, और जितना उनका टोटल होगा उनको डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। सर हमने P1 P0 तो सुना था कि P1 वाज प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 वाज प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये Q1 Q0 क्या है, सिंपल यार, Q मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बेस ईयर की क्या हो जाएगी Q0, और क्वांटिटी करंट ईयर की क्या हो जाएगी Q1, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। फटाफट आ जाओ, जरा फॉर्मूला हमने देख लिया। सर पास्चे कैसा है, भाई पास्चे फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सर आप इसको याद करने का तरीका अगर बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा, रुको कोशिश करता हूं बताने की। ये रहा, थोड़ा सा साफ हो गया, हाँ इधर देखो आपका ना, ये P1 अपॉन में P0 सेम रहेगा लेस्पियर में भी और पास्चे में भी। लेस्पियर में क्या होगा, सिर्फ Q0 ऊपर नीचे आ जाएगा, और पास्चे में क्या हो जाएगा, Q1 आ जाएगा, यानी कि P1 अपॉन P0 तो सेम टू सेम है, लेस्पियर में क्या आ जाएगा आपका Q0 और पास्चे में क्या आ जाएगा Q1, और बाकी चीजें सेम टू सेम, बात खत्म। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अगला मेथड है फिशर। फिशर था कॉपीकैट, फिशर ने क्या करा, लेस्पेयर और पास्चे जो दोनों थे ना उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको रूट के अंदर डाल दिया, उसने कहा बना दिया मैंने फॉर्मूला। भाई आजकल यही तो होता है, आपने क्या करा, जैसे हम लोग करते हैं ना, पिज्जा इज अ इटालियन डिश, इटली से आई पिज्जा, हमने उसके ऊपर शाही पनीर, उसके ऊपर पता नहीं दाल मखनी, सब कुछ डाल के अपनी ही क्रिएटिविटी बना दी। फिशर ने वही वाला काम किया है, ठीक है ना। कैसे किया, ये देखो, ये वाला जो एलिमेंट है ये किसका है, ये लेस्पेयर का है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो बेटा किसका है, वो पास्चे का है। और ये देखो सर मल्टीप्लाई 100 तो एक ही बार हुआ है, यहां पे तो दो बार 100 आ जाएगा ना, ये देखो दो बार 100 आ जाएगा। एक बात बताओ मुन्ना, रूट के अंदर 100 दो बार आया था, 100 × 100 रूट के अंदर दो बार आया था। अब रूट से इसको आजादी चाहिए, एक चीज आपने सीखी होगी कि जिस चीज के ऊपर स्क्वायर होता है रूट उससे कट जाता है, तो देखो 100 स्क्वायर था रूट के अंदर, तो जब ये स्क्वायर कटा तो रूट भी कट गया, वो बाहर चला गया रूट से, इसलिए सिर्फ 100 लिखेंगे। बात समझ आ गई, फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, एक बार रिवाइज करा देता हूं। लेस्पेयर होता है हमारा सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 इनटू में 100। पास्चे क्या था, सिग्मा P1Q1 अपॉन में सिग्मा P0Q1 इनटू में 100। और फिर फिशर क्या हो जाएगा, फिशर सिंपल हो जाएगा, फिशर रूट के अंदर पहले लेस्पेयर का दैट इज सिग्मा P1Q0 अपॉन में P0Q0 इनटू में पास्चे का सिग्मा P1Q1 अपॉन में सिग्मा, कंफ्यूज तो नहीं रहे, P0Q1 और बाहर आ जाएगा इनटू 100। इतना कर लेना, बात खत्म। यहां पे सच बताऊं मैं बोल सकता हूं कि चैप्टर एक तरीके से खत्म हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्वेश्चन देख के हालत खराब हो जाती है आधे बच्चों की, कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप रटने वाली जनता हो चाहे समझने वाली जनता हो, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। कैसे, जरा देखना, आपको कमोडिटीज दे रखी है हमेशा की तरह ABCD, क्रिएटिविटी की ऐसी तैसी, कुछ हम नया नाम देंगे नहीं ABCD का कमोडिटीज का नाम। बेस ईयर दे रखा है, खुद ही बोल दिया इन्होंने कि ये बेस ईयर है, हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हम दिमाग लगा रहे थे कि सर ने बताया था कि जो पहला साल होगा वो बेस ईयर होगा, इसने इस बार खुद ही बोल दिया
कि भाई बेस ईयर ये है, तो हम समझ गए इसका जो प्राइस होगा वो P0 हो जाएगा, और जो जरा अरे 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 इसकी जो वैल्यू है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है यार, ये क्या है सर, आपने परेशान कर दिया। अभी बताता हूँ, ये देखो एक्सपेंडिचर है सर, आपने ये चीज मेरे को कराई नहीं है। अब इसके लिए ना आपको एक छोटी सी चीज खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया ये रहा, आपका कोई चीज है जिसका प्राइस कितना है 2 रुपए, उस चीज पे आपने 200 रुपए का खर्चा कर दिया है। एक चीज है जैसे मान लेते हैं एक टॉफी है, 2 रुपए की एक टॉफी थी, ठीक है ना, आपने टोटल 200 रुपए की टॉफी खरीद ली, तो मुझे एक बात बताओ आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी टॉफी की, 200/2 = 100, सर हमने 100 टॉफीज खरीदी, तो क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई, 100 हो गई। यहाँ पे वही करना है सिर्फ, ये जो चीज दे रखी है ना इसको यूज करके आप Q0 बना सकते हो। हाउ, सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर को पी से डिवाइड कर देना है, आपका क्यू आ जाएगा। जैसे 200/2 = 100, 72/8 = 72, 60/12 = 5, 49/7 = 7, Q0 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे P1 दे रखा है और ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो हम यहाँ से Q1 निकाल सकते हैं। कैसे, 300/3 यानी कि 100, 100/10 = 10, 90/15 ये हो जाएगा 6, 80/10 आ जाएगा 8, 15/6 = 90, हाँ सही है। आओ जी, ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने बता रखा है, और कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती है यार, वो तो आप लोग खुद कर सकते हो। आओ जी, अब क्या हुआ, इन्होंने देखो यहाँ पे P0 Q0 और P1 Q1 लिख लिया। सर यहां तक तो ना क्वेश्चन देगा आपको, ये क्वेश्चन आपको देगा, बाकी की चीजें आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालनी है। सबसे पहले आपने अगर लेस पेयर फॉर्मूला लगाया है, तो लेस पेयर के लिए आपको क्या चाहिए, ऊपर चाहिए सिग्मा P1 Q0, तो हमें P1 Q0 का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कहां बनाएंगे, ये देखो इन्होंने यहां पे बना दिया है P1 Q0 का। निकालेंगे कैसे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई, इधर देखो P1 और इधर के Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/3 कितना हो जाएगा, इधर देखो 300, फिर क्या हो जाएगा 10/9 कितना हो जाएगा, इधर देखो 90, फिर इधर देखो 15/5 कितना हो जाएगा 75, एंड सो ऑन। फिर इन सभी बच्चों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा P1 Q0, दैट इज 535। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा 535 अपॉन में, फिर हमारा डिनोमिनेटर क्या था, वो था हमारा P0 Q0, तो P0 Q0 के लिए क्या करेंगे, ये रहा P0, ये रहा Q0, इसके लिए एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे, ये देखो ये बना दिया। कैसे करेंगे, 2/100 = 200, 8/9 = 72, 12/5 = 60, एंड सो ऑन। बात खत्म भाई, ये आपका लेस्पियर का फॉर्मूला तैयार हो गया। इनको टोटल कर देंगे तो 381 आ गया, आपने 381 से डिवाइड कर दिया, और सर एक और चीज से मल्टीप्लाई 100 कर दिया, वाहियात सी कैलकुलेशन होगी। अगर टाइम कम बच रहा है तो जितना काट सको काट देना, पूरा एग्जैक्ट आंसर मत निकालना, अगर टीचर ने रहम खा लिया तो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है ना। बाकी कोशिश करो कि आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज हो कि आप खुद से कर पाओ, ठीक है ना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यही सेम काम करना है आपको पास्चे के अंदर, और यही सेम काम करना है आपको फिशर के अंदर। फिशर के अंदर तो कुछ नहीं करना भाई, रूट के अंदर इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है और बाहर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आओ जी, मैं इसके अंदर अगर और कराऊंगा तो आप लोगों की बेइज्जती है कि सर आप इतनी स्पून फीडिंग मत करो हमें कि हमें शर्म आने लग जाए। इतना आपने बता दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके बेटा कोई बात नहीं, थैंक यू। आओ जी, अगला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बाप रे बाप, कितना लंबा नाम है, साउथ इंडियन नेम है इसका, बहुत तगड़ा वाला। यानी कि हमने वो 4 कैटेगरीज करी थी ना, सिंपल के अंदर 2 थी और वेटेड के अंदर 2 थी, तो सिंपल की 2 और वेटेड की 1 तो हमने कर ली। जो लास्ट वाली कैटेगरी थी वो ये है, उसमें क्या आएगा, P01 का फॉर्मूला है सिग्मा RW/σW। सर गलत बात है, क्या गलत बात है सर, आपने R का मतलब ही नहीं बताया हमें अभी तक। आप कह रहे थे चैप्टर खत्म होने वाला है, R का मतलब आपने बताया नहीं। R का मतलब बहुत सिंपल है, इसलिए नहीं बताया। R का मतलब है P1/P0 × 100। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पे भी R देख लेना तो समझ जाना P1/P0 × 100 है। डोंट, इसको समेशन कहीं पे नहीं लिखा है, यहां पे सिर्फ P1/P0 × 100 लिखा है, याद रखना। तो अगर R देखो, अब आपको RW निकालना है, RW पहले मल्टीप्लाई होने चाहिए फिर उनका समेशन करना है, तो पहले आपको R निकालना पड़ेगा। R कैसे निकालोगे, P1/P0 × 100 करके निकालोगे। क्वेश्चन कराओ, ऐसे बातें मत करो आप, करा रहा हूं। आपको वेट्स दे रखा है, यानी कि W का कॉलम है, आपको प्राइस दे रखा है 2011 का और 2019 का। 2011 वाला हमारा P0 है और 2019 वाला हमारा P1 है,
यार 2019 आई थिंक इतनी हिंदी आप लोग समझते होंगे, 2019 2022 मेरी आदत है नंबर्स को हिंदी में बोलने की, वरना इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा फंबल करता हूँ, ठीक है ना। तो आओ जी आपको अगला क्या करना है, सर हमें आर निकालना है, फॉर्मूले के अंदर आर दे रखा है, ओके आर निकाल लेंगे। ये देखो ये आर का इन्होंने कॉलम बना दिया, हाउ पी वन अपॉन पी जीरो इंटू में 100, कैसे निकालेंगे, ये रहा पी वन ये रहा पी जीरो, यानी कि सर 8 अपॉन में 5 इंटू में 100, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 160, अरे लो ये आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे अगले को, कैसे 14 यानी कि p1 अपॉन p0 8 इनटू में 100, इसको सॉल्व करोगे तो 175 आ जाएगा, ऐसे ही करोगे सारा का सारा आ जाएगा। लो जी उसके बाद क्या करना है सर, अगला स्टेप आपका r आ गया, देखो ये r है ना हमारा p1 अपॉन p0 इनटू 100, r को w से मल्टीप्लाई कर दो तो rw आ जाएगा, क्योंकि भाई समेशन rw निकालना है, तो समेशन इज द लास्ट थिंग विच यू कैन डू, आपको सबको प्लस करना होता है, समेशन का इतना काम है, बाकी जो उसके आगे की चीजें दे रखी है आपको वो पहले फॉर्म करना है। तो RW को आपने मल्टीप्लाई करा, कहां गया, ये रहा W, ये रहा R, तो 400 इनटू में 160 64000, 520 इनटू में 175 91000, बस ऐसे करके सबका निकालना, सबको प्लस कर दो तो सिग्मा RW आ जाएगा आपका। सिग्मा RW फॉर्मूला क्या था यार, सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W, तो देखो 270600 अपॉन में सिग्मा W, सिग्मा W कितना है 1726, इनटू में 100 करने की आवश्यकता नहीं है, आई एम सॉरी आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही था। अगला टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अगला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, करेंगे ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की थ्योरी बहुत आती है, क्वेश्चन आने के चांसेस होने तो चाहिए, बट इसलिए नहीं आते हैं कि लेस्पेर पास्टर एंड फिशर इतने इंपॉर्टेंट है कि वो जगह बना लेते हैं, बात समझ रहे हो, कि मतलब ये बुरा नहीं है, जैसे एग्जांपल होता है ना कि प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम के अंदर, तो हर प्लेयर बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, बट एक ऐसा प्लेयर है जो इतना अच्छा है जो रिप्लेस नहीं कर सकते बाकी प्लेयर, तो इसलिए वो टीम का पार्ट नहीं हो पाते, वैसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इट्सेल्फ इट्स अ गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इससे इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, तो टीचर ना नहीं देते हैं इसको इतना आसानी से, बट आप कर लो, आसान है, एक बार देख लोगे क्या बुराई है ना। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बेटा दो मेथड है किसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के, पहला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। ये मेथड्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि सिनोनिम्स आपको परेशान करेंगे, आपने एक नाम याद कर रखा है, पेपर में दूसरे नाम से पूछ लिया गया और आप एक साथ बोल दोगे आउट ऑफ सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वहां पे फंस जाओगे ठीक है ना। तो प्लीज जिनके सिनोनिम्स हैं उनको प्लीज याद करके चलो ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है, फैमिली बजट मेथड, और फैमिली बजट मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, फिर बड़े लंबे नाम है, क्या करें, करना पड़ेगा है ना। आओ जी पहले वाला मेथड करते हैं, ये रहा हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, सिंपल दिस मेथड इज सिमिलर टू लेस्पेयर्स मेथड, ये देखो लेस्पेयर मेथड, सिंपल लेस्पेयर मेथड, सिमिलर वर्ड यूज मत करो, एग्जैक्ट सेम है, जैसा लेस्पेयर मेथड है ना वही मेथड ये है। देखो क्या है, सिग्मा p1 q0 अपॉन में सिग्मा p0 q0 इनटू में 100 आ गया। सर ये ऐसे कराओगे क्या भाई, इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ना, जो कॉपी करता है ना किसी को लाइफ में तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, ये फैक्ट है, इसने कॉपी किया इसको भी जगह नहीं मिली एग्जाम में हमारे। अगला क्या हो जाएगा, फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड किसकी तरह है, सिमिलर टू वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, अभी जो आपने करा है सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा R, अब एक बात बताओ इन्हें इंपॉर्टेंस कैसे मिलेगी, ये तो पूरा का सेम टू सेम है सर, हमने दोनों फॉर्मूला कर रखे हैं, एक लेस्पेयर वाला कर रखा है और ये वेटेड एवरेज वाला कर रखा है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये है कि आपने पढ़ा है तो एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर लोगे ठीक है ना। आओ जी इस पे क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है क्या, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता, आपको ये देखो चीजें दे रखी हैं, मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे, प्लीज मैंने ये देखो यहाँ पर नीचे लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे जाके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं पहले बता दूं ये जो बुक है आपकी, मैंने दो बुक्स का रेफरेंस लिया है, एक आपकी वीके ओरी और संदीप गर्ग, स्पेशली मुझे बुक बहुत पसंद है ठीक है ना, तो मैंने उनके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिया है, तो पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं और इसमें बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इस एग्जाम्पल को आराम से कर सकते हैं। फैमिली बजट मेथड में भी एग्जैक्टली नाम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है ठीक है ना।
अगला यूजेस ऑफ प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल्दो इट्स अ थ्योरी टच बट स्टिल एक बार मैंने कहा लिखवा देता हूँ यार, पता नहीं कोई बच्चा थ्योरी की वीडियो देखे ना देखे, इससे अच्छा यहाँ पे ही करवा देता हूँ कि कंज्यूमर प्राइस इज यूज्ड टू मेजर परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इन रुपीज। परचेजिंग पावर यानी कि परचेज करने की क्षमता, कैपेसिटी, उसके पास कितनी पावर है परचेज करने की, वो कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसे। तो 1 अपॉन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इनटू 100 कर देंगे तो आपकी परचेजिंग पावर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस पे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्वेश्चन में या तो परचेजिंग पावर दे रखा होगा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा होगा तो परचेजिंग पावर निकालना आएगा, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन रियल वेजेस। अब रियल वेजेस क्या है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है यार, एम्प्लॉयज की जो वेजेस होती हैं उनकी रियल टर्म्स में वेजेस कितनी है उसको निकालने के लिए यहाँ पे है। थ्योरी में इस चीज को डिटेल में बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ टच देंगे। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है, मनी वेजेस अपॉन में सीपीआई इनटू 100। तो देखो फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दिया है सिर्फ मनी वेजेस ने, बाकी एवरीथिंग इज सेम टू सेम बस। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, ये कुछ नहीं है भाई, आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मिसलिनियस टॉपिक्स में से है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना। आपको सिंपली फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी आप इतने श्याने हो चुके हो कि खुद कर लोगे। Q1 अपॉन Q0 इंटू में 100, देखो जैसे R था ना, R क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू में 100, और फिर RW अपॉन में W, ये वाला फॉर्मूला हमने याद किया हुआ था, है ना। अब यहाँ पे R को रिप्लेस कर दिया है, मतलब P1 P0 की जगह Q1 Q0 आ जाएगा, अब बाकी चीजें देखो सेम हो जाएगी, और W यहाँ पे सेम है अपॉन सिग्मा W, बात खत्म। ये फॉर्मूला बिल्कुल R वाले की तरह आप समझ लो सिमिलर है, ठीक है ना, याद कर सकते हो। समझना हो, क्वेश्चन देखना हो तो क्वेश्चन ये वाला है। अब ये देखो आउटपुट इन क्वांटिटीज, यार एक सेकंड, आउटपुट इन क्वांटिटीज, आउटपुट इन यूनिट सॉरी, आउटपुट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होती है, ये बड़ी बेसिक सी बात है, आई होप आप लोगों को पता होगी। 2011 की है तो Q0, 2019 की है तो Q1, वेट दे रखा है W। अब आपको क्या करना है, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 का एक कॉलम बना देना, जिससे आप क्या करोगे, इन दोनों को यूज करके आप ये कॉलम बना सकते हो, फिर ये जितना भी आएगा इसको W से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखो ये वाला आपका न्यूमरेटर आ जाएगा, अपॉन में सिग्मा W करना है तो इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ये इतना आसान है चैप्टर। इसी के साथ बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने पॉसिबल थे सब करा दिए मैंने, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, ठीक है ना। और जो अब यहाँ पे स्कोप बढ़ जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, इन सब चीजों में आपको परेशानी हो सकती है, उसके लिए भी कुछ करेंगे, टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो यार, जितना ज्यादा आपसे हो सके, और बाकी वीडियोस इस तरीके में आपके लिए डालता रहूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। डाउट्स हो कॉमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, कहीं भी पूछो, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।